माय लवली फ्रेंड्स एंड फैमिली, दिस इज चेतन सीआर ऑफिस में वापस से आप लोग का वेलकम है। तो मैं आ जा रहा हूँ औरंगाबाद संभाजीनगर। तो संभाजीनगर में जितने भी जगह पे प्लेस है उसको हम विजिट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी बज चुके हैं कुछ 1:30, तो हमारा रीचिंग पॉइंट दिखा रहा है 6 घंटा 6:30 का। तो आप अनुमान लगा लो कि क्या कितने बजे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं ग्रीनेश्वर, जो शंकर भगवान का जो उधर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे, और मैं आपको बाकी डिस्कशन अपन वहाँ ही कर लेते हैं। चलो बाय। सो हाय फ्रेंड्स, मैं अभी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ और आपको तो पता ही होगा कि मैं अभी गिरनेश्वर जा रहा हूँ औरंगाबाद संभाजीनगर, और रेडी टू गो, एवरीथिंग इज सेट। आप देख सकते हो यहाँ से मैं अभी लेफ्ट मारूंगा, घर से निकला हूँ और फ्यूल एकदम फुल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग भिवंडी नासिक के रोड पे निकल गए, पहुँच गए हैं। अब देख सकते हो ये ऊपर से ये फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर उतर के ये सब पूरा भिवंडी रास्ता निकलेगा। बहुत ही गंदा रास्ता है, बहुत ही गंदा पैच है। मैं अभी जस्ट 15-20 दिन पहले ही गया हूँ शिरडी, तो वही रास्ते से जाना है। तो बहुत ही गंदा पैच है दोस्तों। तो जब भी आप आओगे ये लेन पे तो बहुत संभाल के चलाइएगा, क्योंकि रोड्स बहुत गंदे हैं, बहुत ख़राब है। दोस्तों, नासिक रह गया 1:01। हम लोग कुछ अच्छी जगह पे रुकेंगे होटल में, होटल में ब्रेक लेने का हुआ है अभी टाइम। अंजलि को भूख लग रहा है, मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक और एक पी लूँगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये ब्लॉग छोटा सा अच्छा लगा होगा। तो अभी जर्नी तो अभी बहुत दूर है दोस्तों, आ गया है। ये टोल प्लाजा आ गया दोस्तों, पहला क्योंकि आप देख सकते हो नासिक जाने के टाइम पे टोल प्लाजा लगता है। नासिक इंदौर, मुझे इंदौर भी जाना है, उधर भी एक ज्योतिर्लिंग है। पहले ये गिरिरेश्वर कर लेता हूँ ये बार अंजलि के साथ। तो गिरिरेश्वर का इम्पोर्टेंस बहुत है दोस्तों, डिटेल्स में कुछ रहेगा तो मैं डाल दूँगा ये वीडियो में। गिरिरेश्वर जो भगवान है, शिव भगवान की स्टोरी मेरा गला पूरा सूख गया है, कुछ बात ही नहीं करते थे प्रॉपरली, क्योंकि ना ह्यूमिडिटी है, गर्मी बहुत है, मुंह के अंदर पूरा है ना सूखापन हो गया। सो हाय गाइस, मैं अभी हूँ मसाला ढाबा दरबार। तो यहाँ पे मैंने शाहपुर में ज़रा होल्ड लिया है खाना खाने का, तो खाना खा लेता हूँ यहाँ पे मसाला दरबार। तो ये हाईवे के बाजू में ही है, तो मैंने सोचा कि चलो, अंजलि को भी बहुत भूख लग गया है, तो दोपहर का टाइम है, तो एक बार एक मील ले लेते हैं थोड़ा सा छोटा और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये भी बाइकर है, बाइकर लोग जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और बाकी फुटेज बताओ गोप्रो का, वॉक अराउंड कर देता हूँ आपको। ये कुछ बाहर पैसेज बैठने के लिए ठीक ठाक है होटल, जस्ट लंच करने के लिए रुके हैं हम लोग। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत सारा है, यहाँ पे काउंटर है। हाय, यहाँ के ओनर है ये। तो बच चुके हैं 3 और यहाँ पे अंजलि बैठी है। ऑर्डर दे दिया अभी तो लोग, ऑर्डर नहीं दिया है। चलिए ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर,
देखा मैंने कैसा निकाला, थोड़ा देर रुका, वॉच किया, हॉर्न दिया, फिर निकला मैं। कभी भी ऐसे दोनों गाड़ियों के बीच में गलतियाँ मत करो, नहीं तो अटक जाओगे, बहुत डेंजरस होता है ये। पहले सामने वाले को इन्फॉर्म करो, भाई मैं आ रहा हूँ पीछे से, तो हॉर्न दो फिर निकलो, अगर रास्ता रहेगा तो। फ्रेंड्स चालू होता है घाट, देखिए आप सामने बहुत ही सुंदर घाट है, पर ये सिंगल लेन घाट है। सामने ऊपर ये गलत कर रहे हैं, ऊपर से ऑपोजिट साइड भी से भी आ रहे हैं ऊपर से, ये रॉन्ग है। देखो ये घाट, ये बड़े बड़े ट्रक जाते हुए रेलवे का व्हील से, ये रेलवे व्हील यूनिकॉर्न बहुत ही बढ़िया चढ़ रही है दोस्त। नमः शिवाय, हरि हरि बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और 4 घंटा दिखा रहा है दोस्तों, 4 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है औरंगाबाद पहुंचने के लिए। एक टोल मिल गया हमको, ये दिन का 2nd टोल है औरंगाबाद जाने के लिए संभाजी नगर। रूट तो यही दिखा रहा है, देखते हैं। अरे राम राम, अरे का हो गया है पीछे और हम जा रहे हैं अभी आगे। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हो जो ब्रिज है, ये समृद्धि महामार्ग है, ये जो आप देख रहे हो, और हम अभी ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं। थोड़ा इधर वाटर ब्रेक और स्ट्रेस कर लेते हैं बॉडी को। हाय गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोटी गांव में। जैसे कि आप ये ओवर ब्रिज देख सकते हो, ये समृद्धि महा, जैसे कि मैंने गोप्रो के अभी जब मैं आ रहा था यहाँ पे, तो मैंने दिखा ये समृद्धि महामार्ग का जो ये ब्रिज है उसके नीचे हम लोग दोनों खड़े हैं अभी लिया है। और हमको कुछ अभी और यहाँ से 3.5 घंटे दिखा रहे हैं टूअर्स औरंगाबाद संभाजी नगर। तो चलिए ये सफ़र पर ऐसे ही जुड़े रहिए, और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर लविंग मी, प्यार करने के लिए मेरे चैनल को और मुझे और मेरे बाइक बगीरा को। तो चलिए सफ़र चालू करते हैं। तो हाय गाइस, ये है समृद्धि महामार्ग जो मैं आपको बता रहा था, ब्रिज के ऊपर से दिखा रहा हूँ। और ये बाजू में सह्याद्री माउंटेन्स, तो कितना ब्यूटीफुल सह्याद्री माउंटेन्स है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये तो दोस्तों अभी हम शिरडी पहुँच ही जाएंगे थोड़े ही देर के बाद, ठीक है। ये गोटी का रास्ता बहुत बड़ा है दोस्तों, पर बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया है पहले के मुकाबले, वेरी सीनिक
सीनिक व्यू आता है यहाँ से। आप अगर बरसात के सीज़न में आओगे ना तो क्या बोलेगा, एक नंबर भाई। बाइकर्स मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं क्योंकि आज होली है, आज रात को होली लगने वाला है, तो शायद कोई टू राइड पे आए नहीं होंगे या सुबह निकले होंगे। अभी बजा है कुछ 6 बजे, मैं कुछ 12 बजे ऑफिस से निकला था, 1-1.5 बजे जर्नी राइड चालू किया था। मेरा डेस्टिनेशन है औरंगाबाद, देखते हैं कब तक पहुँचते। रीचिंग टाइम दिखा रहा है अभी भी 9:24 रात का, 3 आवर्स 19 मिनट्स 167 किलोमीटर्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग गोटी से पास हो गए आगे और यहाँ से राइट मारना है रैम नंबर 60। का जर्नी वाव रहा है और इसके बाद भी जर्नी वाव ही रहेगा कि आप लोग का सबका सपोर्ट है और मेरे जो फैमिली मेंबर्स है यूट्यूबिंग के, आई लव यू ऑल दोस्तों। ये आप लोग का ही मोटिवेशन मुझे मिला, मुझे दिया आप लोग ने, तभी मैं ये सब कर पा रहा हूँ। और ये कपल राइड है, मैं और मेरी वाइफ अंजलि और ये मेरी गाड़ी बगीरा, हम लोग तीनों ही हैं ये सफ़र में। आज मेरे साथ कोई राइडर नहीं है, मेरे फ्रेंड नहीं है, कि सबको अलग अलग काम के हिसाब से सब लोग ने अपने अपने हिसाब से अटके हुए हैं। तो नो प्रॉब्लम, अभी शाम ढलने वाली है, जैसे जैसे 7-7:30 बज जाएगा और क्या बताऊँ, चल रहा हूँ। जब तक अपने टारगेट पे अचीव नहीं होऊंगा तब तक चलता रहूँगा। एक वाटर ब्रेक और एक लूँगा, टोटल हम लोग ने वाटर ब्रेक लिया है अभी तक। पहला फूड ब्रेक लिया था, खाना खाए हम लोग ने, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा वाटर ब्रेक लिया और अभी देखते हैं आगे किधर डेस्टिनेशन में, आजू बाजू में किधर अच्छा होटल रहेगा तो वहाँ एक थोड़ा नाश्ता कर लेंगे या कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी ऐसा है तो लेफ्ट साइड में बहुत सारा, पर मैं रुकूंगा नहीं, थोड़ा प्रॉपर होटल मिलने के बाद ही रुकूंगा। छठवें गियर पे गाड़ी है, 80 के 82, 83, 84 किलो स्पीड के इसमें रेंज में है और फ्यूल एफिशिएंसी मुझे दिखा रहा है अभी भी 310 किलोमीटर। अभी भी 310 किलोमीटर गाड़ी बिंदास चल सकता है क्योंकि जितना गाड़ी में खोलता हूँ उतना मुझे इकोनॉमी ज़्यादा दिखाता है, KTM का यही खासियत है। चलो
ऊपर आगे कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है उसके बारे में। सो हाय गाइस, अभी मैं सिन्नर में हूँ और चाय है और ये ताइका है। हम लोग इधर रुके हैं चाय पीने के लिए। और आप जब भी सिन्नर टू औरंगाबाद ट्रैवल करते हो तो ये छोटा सा शॉप लगेगा इनका, तो आप देख सकते हो। और अपनी बगीरा वहाँ पे खड़ी है, आपको दिखता होगा। और अंजलि इधर ब्रेकफास्ट कर रही है। हाय कर, चलो चाय पीते हैं सूर्य के साथ। पूरा थकान मिटा दिया दोस्तों। अप्रॉक्सली 350 किलोमीटर है, तो हम लोग ने 225 किलोमीटर कर दिया है। अभी कुछ एक अप्रॉक्सली 160 किलोमीटर बैलेंस है, वो हम लोग कवर करेंगे। और हमारा डेस्टिनेशन का पॉइंट है 9:34, जो फिर चलते। तो फ्रेंड्स, अभी एक चाय ब्रेक लिया हम लोग ने, आपको तो दिखाई होगा गौती चाय था वो सिन्नर में। और यहाँ से हमको दिखा रहा है अभी 2 hours 37 minutes 127 किलोमीटर दिखा रहा है। रीचिंग टाइम बढ़ गया है अभी 9:20 9:47। तो फ्रेंड्स, अभी देख रहे हो ये तीसरा टोल नाका है जो हमें लगा है औरंगाबाद जाने के लिए। What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. But suffer a bit of finish what I start. कहने की कुछ बात ही नहीं है, एक नंबर सफर होता है। Moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. Don't want to face myself. Don't want to face myself. पहले सूरज देवता ने हमारे साथ रहे, हमारे साथ क्या ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। मुंबई के लिए 1 किलोमीटर क्या बैनर लगा के रखा है? ओके, मतलब समृद्धि हाईवे से आपको 1 किलोमीटर पे समृद्धि हाईवे मिलेगा बॉम्बे जाने के लिए। ओके, तो ऐसा बहुत वीडियोस में आया था। तो 1 किलोमीटर कहाँ जा रहा है ये? मुंबई के लिए सिर्फ 1 ही किलोमीटर है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये समृद्धि महामार्ग का जो रास्ता है वो 1 किलोमीटर पे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत करिए दोस्तों। देखो 500 मीटर। अभी बजे है 8:37। ठीक है, फोर्ट टोल प्लाजा लूजर का लूसर। हो गया टोल प्लाजा क्रॉस, दिन का 14th टोल प्लाजा था। और तो दिन का 2nd फ्यूलिंग चालू है दोस्तों। फर्स्ट फ्यूलिंग जब निकला था तब किया था, अभी ये 2nd फ्यूलिंग है। आराम आता जो कि आप देख सकते हैं। अभी हम लोग को अभी पहुंचने के लिए कुछ 15 मिनट्स रह गया है। 36 किलोमीटर्स करोड़ी गांव है ये। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो हाय माय लवली फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं पहुंच गया औरंगाबाद। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ये सब रूम्स है। मैं आया हूँ आदर्श होटल में। ये रूम्स 103 नंबर मुझे मिला है।
और ये सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये में है। देखो यहाँ पे अपनी सेडलिंग बैग लगी हुई है, और ये हेलमेट, टीवी है, एसी है, इतना बड़ा आईना, और ये स्टोरेज रूम है, ये वॉशरूम, ये वॉशरूम है, बढ़िया। और ये बालकनी, ये आप देख सकते हैं संभाजी नगर यहाँ से। चलिए फिर, कहता हूँ मैं मिलता हूँ आपसे।